नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खास खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राजभवन तक रोड शो करेंगे। वो भाजपा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और राष्ट्रीय स्तर के पुलिस सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। आज महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसमें बीजेपी के कोटे से 25 विधायक शपथ लेंगे, जबकि शिवसेना के कोटे से 5 से 7 विधायक और अजीत पवार गुट से 5 से 7 विधायक शपथ लेंगे। आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी के आयोजन को लेकर आज बैठक बुलाई। इस बैठक में पाकिस्तान द्वारा हाइब्रिड मॉडल को खारिज करने और भारत के पाकिस्तान की यात्रा न करने के मसले पर समाधान तलाशने की कोशिश की जाएगी। ये बैठक वर्चुअली होगी और इस पर अंतिम निर्णय आईसीसी बोर्ड के अहम सहमति पर पहुंचने के बाद लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल में भारी बवाल के बीच जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया है। इस बारे में हिंदू पक्ष से जुड़े एडवोकेट विश्व शंकर जैन ने बड़ी जानकारी मीडिया से साझा की है। इनके मुताबिक संभल मस्जिद सर्वे का काम पूरा हो गया है और अब आज कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। खगड़िया में आज 1 दिवसीय जॉब कैंप होगा। ये कैंप जिला नियोजनालय द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें BSS माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के लिए 20-20 पदों पर भर्ती की जाएगी। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की करारी शिकस्त के परिप्रेक्ष्य में पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में महाराष्ट्र के चुनावी पराजय से जुड़ी पहलुओं और हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लगभग हाथ आई मानी जा रही जीत के अप्रत्याशित हार में तब्दील होने पर भी पार्टी के शीर्ष नेता विचार मंथन करेंगे। आज नगर पालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक सुबह 11:15 पर पालिका सभागार में होगी। बैठक में इस बार कई महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाएगा। आज बीकानेर में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। बता दें कि सुभाष चंद्र, कैलाश कुमार, डूंगरमल, सुधार एवं ब्रज मोहन पुरोहित की स्मृति में होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का लोकार्पण किया जा चुका है। अंकिरा में कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के बैनर तले फरसाबहार सामुदायिक भवन में जशपुर जिला स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में जिले अंतर्गत विभिन्न गाँव में पदस्थ कोटवार व संघ प्रतिनिधियों के उपस्थित हो। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शुक्रवार आज ग्वालियर में 15 विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में 1,25,00,000 रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मंत्री तोमर उज्ज्वला योजना अंतर्गत घरेलू गैस कनेक्शन का वितरण भी करेंगे। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1909 में आज के दिन प्रसिद्ध बंगला इतिहासकार रोमेश चंद्र दत्त का निधन हुआ था। साल 1935 में आज ही के दिन परमवीर चक्र से सम्मानित गुरुबचन सिंह सालारिया का जन्म हुआ था। साल 1989 में आज ही के दिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया था। साल 2005 में आज ही के दिन शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे। साल 2008 में आज के दिन छबील दास मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा गुजरात के 9वें मुख्यमंत्री का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।